नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुरे वक्त की अच्छी खबर, पूरी दुनिया इस वक्त इस पैंडेमिक से गुजर रही है, कोरोना महामारी से त्रस्त है, तो वही कोरोना की दूसरी लहर तो बहुत ही घातक साबित हो रही है और हर तरफ बुरी खबरें सुनाई दे रही हैं, तो लोग परेशान हैं। अस्पतालों से लेकर शमशान तक हर जगह चित्कार ही सुनाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कुछ खबरें अच्छी भी आ रही हैं जो थोड़े पल ही सही सुकून दे रही हैं। तो तमाम लोग इस दौरान मानवता के सजग प्रहरी बनके भी उभरे हैं, तो खुले मन से लोगों के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं, तो कहीं किसी के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दे रहे हैं। इन्हीं खबरों पर आधारित है ये हमारा खास कार्यक्रम बुरे वक्त की अच्छी खबर। तो एक तरफ जहां कोरोना महामारी ने भय और चिंता का वातावरण पूरे देश में बनाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस महामारी से लड़ने के लिए तमाम लोग भी अब आगे आ रहे हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर बांदा के अतरा में देखने को मिली। दो भाइयों रोहित शुक्ला और राहुल शुक्ला ने अपनी 40 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी को एम्बुलेंस में परिवर्तित करके समाज सेवा का बीड़ा उठाया है और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, उनके लिए ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इन लोगों के इस काम की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बांदा की कि किस तरह से दोनों भाई मिलकर इस पैंडेमिक के दौर में, इस नकारात्मक दौर में किस तरह से सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं, वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन की भी परेशानी हो रही है तो वो मदद भी इन दोनों भाइयों की तरफ से दी जा रही है। प्रेरणा के लिए तो केवल मेरे पिताजी हैं, जिनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ कार्य करने के लिए। उन्होंने मुझे हमेशा एक सीख दी है कि जितना कर सको किसी दूसरे के लिए उतना कर लो। उसके बाद छोटे वाले भाई जो कि पहले से बाहर रहा है, और ये शुरू से बाहर ही रहा है, मेरा केवल हमेशा आना जाना रहा है। जैसे दिल्ली में भी मैं रहता रहा हूँ, इलाहाबाद से MBA मैंने भी कर रखा है, LLB कर रखा है, तो डिग्रियों के भरमार है। डिग्रियाँ काम नहीं आती हैं, पापा मेरे हमेशा बोलते हैं कि डिग्रियाँ काम बहुत नहीं आती हैं, जो जन सेवा काम आती है। प्रेरणा के लिए तो केवल मेरे पिताजी हैं, जिनके लिए मैं हमेशा सेवा। तो यही समझिए कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को समझते हुए ये कि लोगों को फ्री की सेवा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऑक्सीजन सप्लाई जो है लोगों को, जैसी ज़रूरतें हो पा रही हैं मेरे से जो पॉसिबल है, किसी को ऑक्सीजन सप्लाई कराना, और जैसे किसी को हो गया हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन फैसिलिटी चाहिए वो दे देता हूँ, किसी को ऑक्सीमीटर चाहिए जो भी ज़रूरतें होती हैं, किसी को कहीं से कहीं ड्रॉप करना है किसी पेशेंट को, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, वो जितनी सेवाएँ हैं वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 40 लाख की गाड़ी को एम्बुलेंस में बदला है, आप दोनों भाइयों को सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इस बुरे वक्त के दौर में हम सबको आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बांदा से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र शुक्ला भी लाइव जुड़ गए हैं, उनका यहाँ पर रुख करेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल नकारात्मक दौर से हम गुजर रहे हैं, इस बीच सकारात्मक जो है लोग अपना रुख भी दिखा रहे हैं, और ऐसे में बांदा के अतर्रा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो जाहिर तौर पर इस दौर में सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह की स्थिति से हम गुजर रहे हैं, हम सब जानते हैं एक नकारात्मक दौर चल रहा है, लेकिन सकारात्मक रुख भी लोग अपना रहे हैं, और यही बांदा के अतर्रा में देखने को मिल रहा है भाइयों की तरफ से। भारत की संस्कृति है, हमारी जो विरासत है वो यही है कि हम चाहे जितनी परेशानी में हो लेकिन दूसरों की मदद करने से हम नहीं चूकते। और ऐसा ही हमारे बांदा जिले में देखने को मिला है कि जहां एक और एम्बुलेंस की कमी थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उस समय एक लग्जरी गाड़ी जो वास्तव में 40 लाख रुपए की गाड़ी है, इन दो भाइयों ने उसको बिल्कुल एम्बुलेंस में कन्वर्ट ही नहीं किया, बल्कि पूरी मदद लोगों को करने का प्रयास किया। जहां पे लोग इस परेशानी को अपने हिसाब से कहीं पैसे कमा रहे हैं, कहीं गलत नकली दवाएं बेच रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन महंगी बेच रहे हैं, कहीं एम्बुलेंस में महंगा भाड़ा ले रहे हैं, इन सभी चीजों को देखने के बावजूद हमने ये देखा कि समाज के लोग खड़े हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और शायद इसी वजह से हम इतनी बड़ी जो एक बीमारी है और इतना बड़ा जो ये हमारे सामने जो संकट है उससे हम जूझ पा रहे हैं, उससे निपट पा रहे हैं। ज्ञानेंद्र, न सिर्फ ये तस्वीरें सकारात्मक रुख बल्कि बाकियों के लिए भी प्रेरणा दे रही है, उन लोगों के लिए जो इस पेंडेमिक में अपनी हिम्मत हार रहे हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी को जाहिर करने के लिए पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में दूसरे लोगों के लिए
लिए भी प्रेरणादायक इन दोनों ही भाइयों की समाज सेवा। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को ये चिढ़ा रही, निश्चित तौर पर ये तस्वीर ऐसे लोग कराने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर अवसर के रूप में अपने आप अवसर के रूप में ले रहे हैं और कहीं ना कहीं लाभ कमा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर ऐसे लोगों को एक संदेश भी दे रही है कि वास्तव में समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए कुछ भी करने से नहीं चूक रहे हैं। जी शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह की स्थिति से हम गुजर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब हमें जो लोग आगे आ रहे हैं और सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है लाइव हो रही है। तो यूपी 35,607 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 1,40,99,595 डोजेस एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। 18 से 44 के कार्यक्रम के अंतर्गत भी कल लगभग 50,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई, 49,744 लोगों को, और अब तक 2,16,897 लोगों को 18 से 44 के बीच के उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। वैक्सीनेशन के कार्य में जब हमने इस कार्य को प्रारंभ किया था तो जो वैक्सीन की वेस्टेज होती है, जो वैक्सीन इस्तेमाल नहीं हो पाती, वो प्रतिशत काफी अधिक चल रहा था। 20% से अधिक शुरू में देखा गया कि वेस्टेज हो रहा था और उसको फिर गहराई से उसका रिव्यू किया गया, मॉनिटर किया गया, एक एक वैक्सीनेटर को ट्रेनिंग फिर से दी गई, हर एक वैक्सीनेटर के कार्य को मॉनिटर किया गया और उसका परिणाम यह है कि आज प्रदेश में जो वैक्सीन की वेस्टेज है वो घट करके कोविशील्ड की वेस्टेज 2% से भी कम हो गई है और कोवैक्सीन की वेस्टेज अब 3% से भी कम हो गई है और इसे हम निरंतर और कम करने पर हम लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि वैक्सीन की हर एक डोज का सदुपयोग लोगों को इस महामारी से बचाने में प्रयोग किया जाए। जब आपकी बारी आए वैक्सीन जरूर लगवाइए। जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले रखी है और उनका दूसरा डोज ड्यू हो गया है उनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी दूसरी डोज जरूर लगवाइए। जब आप दोनों डोज लगवाते हैं तभी आप पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, तो अपनी दूसरी डोज लगवाने जरूर जाइए। तो एसीएस समित मोहन को आप सुन रहे थे और जिस तरह की स्थिति यूपी में कोरोना को लेकर बनी हुई है उसी का ब्यौरा यहां पर उनकी तरफ से रखा जा रहा था। तो भीषण कोरोना काल जहां तमाम तकलीफों से रूबरू करवा रहा है, वहीं कुछ लोग, कुछ संस्थाएं और कुछ यूनियन के लोगों ने कोरोना मरीजों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। लखनऊ में थ्री व्हीलर ऑटो यूनियन ने ऑटो एम्बुलेंस शुरू किया है जो कोविड मरीजों के लिए फ्री रहेगा। स्प्रेड स्माइल संस्था ने ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की है। खास बात यह है कि ऑटो में ऑक्सीजन, पीपीई किट में ड्राइवर, सैनिटाइजर और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा भी मौजूद है। यही नहीं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ऑटो एम्बुलेंस मंगाई जा सकती है। दरअसल एम्बुलेंस की कमी और मनमाने किराए की वसूली के बढ़ते मामलों को देखते हुए फ्री ऑटो एम्बुलेंस शुरू की गई है। तो कोविड मरीजों के लिए ये सेवा फ्री होगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से कोविड 19 के जो तमाम नियम हैं उनका पालन भी यहां पर किया जा रहा है। तो पीपी किट में ड्राइवर मौजूद रहेगा, तमाम जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उसकी भी यहां पर फैसिलिटीज उपलब्ध रहेगी। और अब बात प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ जिले में कोविड 19 जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है उसी को देखते हुए कोविड मरीजों की सहायता के लिए डॉक्टर शमीम ने शानदार पहल की है। डॉक्टर शमीम भोजन हेल्पलाइन बैनर तले लोगों को निशुल्क टिफिन बांट रहे हैं। ये टिफिन हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जो मरीज जिला अस्पताल में भर्ती है उनके लिए टिफिन
संजीवनी जैसा काम कर रहा है। तो सड़कों पर लेटे भूखे लोगों को तक वो पहुंचा रहा है, तो वही टिफिन रोज सैकड़ों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की अवधि चौथी बार बढ़ाई गई है। तो होटल और रेस्टोरेंट और दुकानों को सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है। ऐसे में जो मरीज और उनके साथ तीमारदार हॉस्पिटल आते हैं, उनके लिए भोजन की सबसे बड़ी असुविधा हो रही थी। इसके लिए फिजिशियन डॉक्टर शमीम ने एक बैनर तले हेल्पलाइन नंबर जारी किए और इस नंबर पर कोई भी फोन करके टिफिन मंगा सकता है और डॉक्टर शमीम की टीम की तरफ से निशुल्क भोजन भी पहुंचाया जाता है। डॉक्टर शमीम ने बताया है कि हमारी टीम के लोग जिला अस्पताल में जाकर हर रोज मरीजों से पूछते हैं कि आपको कितने टिफिन की जरूरत है और उनको सुबह शाम निशुल्क भोजन पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस बार कोरोना महामारी में ईद का त्यौहार भी है और ऐसे में लोगों तक ईद की किट भी भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक बैनर तले हेल्पलाइन भोजन के नाम से हमने एक बैनर बनाया और उस पर एक नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया। जारी करने का मतलब ये था कि हमारे शहर में हॉस्पिटल में रोड पे किनारे भूखे परेशान हाल में तमाम तरीके के लोग हमें मिलते हैं जिनको मैं देखा नहीं जा सकता, तो हम उनके लिए भोजन प्रोवाइड करते हैं। वार्ड में भर्ती मरीज और तीमारदारों के लिए आप क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट हैं, जो चाहे वो पास के हों या चाहे बाहर के हों, लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन का पालन हो, लॉकडाउन में लोग बाहर ना निकलें, सारी दुकानें बंद हैं, खाने पीने के लिए राशन पानी के लिए बहुत दिक्कत है लोगों को, जिस हिसाब से हमने सारी चीज़ें सिचुएशन देखते हुए हमने उनको भोजन देने के लिए पर्याप्त कोशिश की और हम तकरीबन सारे वार्ड में अपने बंदों को भेज करके सब सुबह से शाम तक क्लियर कर लेते कि कितने लोगों की वार्ड में कितने पेशेंट हैं, कितने लोगों के साथ कितने अटेंडेंट है ना, इतना तक कि हम एक एक लोगों के साथ 400 लोगों तक के भोजन प्रोवाइड करते कि किसी को भी कोई भूखा ना सो। तो यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ हालात हैं, इसी को लेकर एसीएस सूचना नवनीत सहगल क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो आपको सुनवाते हैं। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जा रही थी, वो उनको और तेजी से उनका ये अभियान और तेज किया गया और एक विशेष अभियान चलाया गया कि गांव गांव में घर घर में हमारी जो निगरानी समितियां हैं उनके माध्यम से गांव गांव में वो निगरानी समितियां पहुंची, उन्होंने संक्रमण का हालचाल लिया और जो सरकार द्वारा लगभग 5,000 से ज्यादा RRTs लगाई गई हैं, रैपिड रिस्पांस टीम लगाई गई हैं, उन्होंने जा जाकर उनको कहा गया है कि वो जा जाकर गांव में ही टेस्ट करें, वहीं पर ही जहां पर कि अगर कोई लक्षण युक्त व्यक्ति पाया जाता है, तो ये अग्रेसिव टेस्टिंग हुआ। इसके साथ साथ फिर जब गाँव में वो आइसोलेशन में अगर कोई है और अगर कोई उसके घर में जगह है तो ठीक है, नहीं जगह है तो उसको पंचायत घर या सरकारी बिल्डिंग में आइसोलेशन में उसको रखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्र है वहां पर पूर्व से चल रहे अभियान को और तेज किया गया है। मैं बताऊं कि लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या में से उत्तर प्रदेश की जो निगरानी समितियां हैं, सर्वेलेंस की टीमें हैं, वो लगभग 16,73,00,000 की आबादी तक पहुंचे हैं। इन सब लोगों का 16,73,00,000 लोगों का हालचाल जाना है। ये पूरे देश में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है जहां की प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीमें घर घर जाकर संक्रमण के लक्षणों को और लक्षण वाले व्यक्तियों को खोज के उनका इलाज करा रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो प्रदेश सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की गई ट्रीटमेंट की, जो कि प्रतिदिन बेड की संख्या बढ़ाई गई, विशेषकर ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या बढ़ाई गई, आज भी लगभग 500 बेड बढ़ाए गए हैं। इसी तरह से अन्य जनपदों में, पूरे प्रदेश के जनपदों में जगह जगह जो है वो अस्पतालों में बेड बढ़ाने की एक कवायद प्रक्रिया बहुत तेजी से चलाई जा रही है ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए बेड की कमी ना हो। जो नॉन ऑक्सीजन वाले बेड हैं उनको ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है वहां पर ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। पीएम केयर फंड से लगभग 161 अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में प्लांट सेंक्शन किए गए हैं। 75 प्लांट जो है वो आबकारी और गन्ना विभाग दे रहा है। इसके साथ साथ लगभग 100 प्लांट पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है उनके द्वारा पूर्व से ही स्वीकृत हैं, जिन पर की निर्माण की विभिन्न कार्रवाइयां चल रही हैं। NHAI भी हेल्प कर रहा है, तो ये सारी एजेंसियां हेल्प करके
कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार ने के पास लगभग 5,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो प्राप्त हुए थे, भारत सरकार से प्राप्त हुए थे, कुछ स्थानीय रूप से खरीदे गए थे। इसके साथ साथ लगभग 17,000 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है उनका आदेश जारी कर दिया गया है। और ये सारे कंसंट्रेटर जो 17,000 कंसंट्रेटर है, प्रदेश में 855 जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 20-20 बेड का ऑक्सीजन युक्त जो है बेड की एक सुविधा सुजित की जा रही है, ताकि वहां पर ही रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन वाले बेड तो वहां पर उपलब्ध कराए जाए। इनके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे, 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर एक CHC में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी समीक्षा में ये भी निर्देश दिया है कि ये चेक किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इस तरह की जितनी भी मशीनें हैं जो कि मरीजों के काम आएंगी, वो मरीजें चालू हालत में वो मशीनें होनी चाहिए उसके लिए। तो जाहिर तौर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसी का ब्यौरा पेश कर रहे थे नवनीत सहगल। आगे बढ़ेंगे, कोरोना आपदा के इस विकट समय में सभी लोग तरह तरह की तकलीफों के बीच घिरे हुए हैं, और ऐसे वक्त में मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुभाष चौहान ने अपने सभी पदाधिकारियों और सभी दवा व्यापारियों से एक अपील की है कि कोरोना आपदा के इस विकट समय में जिससे जो भी बन सके उस रूप में लोगों की मदद करें। जिला अध्यक्ष सुभाष चौहान की अपील पर एसोसिएशन के संगठन मंत्री राजेश जुनेजा ने आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों की मदद के लिए एक अनूठी पहल की है। इस महामारी में कुछ दवाइयों की बाजार में शॉर्टेज हो गई है और उनमें से आवश्यक दवाइयों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजेश जुनेजा ने यह भी कहा कि वो इन जरूरी दवाओं को गरीब लोगों को डॉक्टर के पर्चे पर फ्री में देंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके पास इन जरूरी दवाओं का जितना भी स्टॉक है वो इस सारे स्टॉक को गरीब लोगों को फ्री में उपलब्ध कराएंगे। राजेश जुनेजा की इस पहल का सभी लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। इस विकट स्थिति में जो महामारी चल रही है उसको देखते हुए मन में ये एक संदेश था कि कुछ ना कुछ समाज के लिए किया जाए, और उसमें हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुभाष चौहान जी ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया तो मेरे मन में आया क्यों ना उन मरीजों को दवाई दी जाए जिन जो मरीज दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, जो कोरोना में काम आने वाली जैसे आइवरमेक्टिन कैल्शियम टैबलेट होती है, कोलीकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3, विटामिन सी, पैरासीटामोल, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, वो हमने उन गरीब मरीजों को फ्री देने का फैसला किया है जो किसी भी डॉक्टर का पर्चा लाकर हमसे निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जुनेजी जी, एक तरफ जो कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, ऐसे में आपका ये फैसला कितना सही है? सर, सही बात तो ये है कि दवाई की कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है, ये दवा की कालाबाजारी एक अफवाह है। ये मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पहले प्रथम चरण में भी कोरोना काल में पूरा सहयोग किया था, प्रशासन का सहयोग किया था, गरीब मरीजों का सहयोग किया था। अभी दो दिन पहले मैंने कोर कमेटी की मीटिंग में डिस्कस किया और डिस्कस में यही कहा मैंने लोगों से कि यार इतना समय ख़राब चल रहा है कि कुछ गरीब लोग हैं वो इलाज के अभाव में और दवाओं के अभाव में उनकी किसी की भी डेथ ना हो, इसलिए कुछ सोचो। सब दवा व्यापारियों से अनुरोध किया था, अपील की थी। उसी अपील मैं राजेश जुनेजा जी को धन्यवाद कहूंगा कि उसी अपील को संज्ञान में लेते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। ये मुजफ्फरनगर केमिस्ट है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, डॉक्टर जगदीश गांधी ने घोषित की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति। तो CMS के संस्थापक है डॉक्टर जगदीश गांधी, जिन्होंने अपनी अब संपत्ति का ब्यौरा रखा है। कुल 22,48,693 रुपए है चल संपत्ति। तो डॉक्टर जगदीश गांधी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, पिछले 62 सालों से किराए के मकान में रहते हैं डॉक्टर जगदीश गांधी। तो डॉक्टर जगदीश गांधी के पास कोई भी जमीन और प्रॉपर्टी नहीं है। CMS की संस्थापिका डॉक्टर भारती गांधी के पास है करीब 3.21 लाख रुपए की संपत्ति। तो ये ब्यौरा यहां पर रखा गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, डॉक्टर जगदीश गांधी ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का ब्यौरा सामने रखा है। तो CMS के संस्थापक है डॉक्टर जगदीश गांधी। तो कुल 22,48,693 रुपए की चल संपत्ति उनके पास है।
और इसमें उन्होंने अपना ब्यौरा रखा है। डॉक्टर जगदीश गांधी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, यानी कि उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी है ना जमीन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।